أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome to my channel Storyland And a very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel I'm your teacher Umme Muhammad and today we are going to read the fourth chapter of the Sattar Eidi from New Oxford Modern English Book 3 and it's the third edition of this book हमारे आज के लेक्चर से रिलेटेड किसी भी डिटेल के लिए या इस बुक की किसी भी डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं एंड इफ यू हैव एनी कमेंट क्यूरी और सजेशन रिलेटेड टू माय कंटेंट एंड माय निश यू कैन फ्रीली टेल मी एंड आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स तो चलिए अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها The name of this chapter is Abdul Sattar Eidi और सबसे पहले हमारे पास है प्री रीडिंग Helping someone without expecting a reward is something very few people do helping mean मदद करना someone किसी की without बगैर expecting कोई भी चीज़ की तवक्को रखे बगैर a reward एक इनाम की is something एक ऐसी चीज़ है very few people few mean बहुत कम people लोग do करते हैं तो बगैर किसी इनाम के लालच के किसी की मदद करना एक ऐसा काम है जो बहुत कम लोग करते हैं can you think of a person क्या आप एक ऐसे शख्स के बारे में सोच सकते हैं who has helped you जिसने आपकी हेल्प यानी मदद की हो हैव यू थैंक देम कि आपने उनका शुक्रिया अदा किया शेयर विद योर क्लासमेट्स अगर ऐसा कोई वाक्य आपकी ज़िंदगी में है तो उसको अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें इसके बाद है हमारे पास वर्ड्स टू नो जानने के लिए इम्पॉर्टेंट वर्ड्स सबसे पहला वर्ड है हमारे पास एम्बुलेंस अ स्पेशल व्हीकल यूज टू टेक पीपल टू हॉस्पिटल एक स्पेशल किस्म की गाड़ी होती है जो कि लोगों को अस्पताल पहुँचाने के काम आती है They contain things such as medicines and bandages needed by people who are ill or injured. और इस गाड़ी के अंदर ही एक छोटा सा हॉस्पिटल समझ लें यानी इसमें मेडिसन्स भी होती हैं और बैंडेजेस वगैरह भी होती हैं जो कि ज़ख्मी या बीमार लोगों के लिए हम उनकी मदद के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट वर्ड इज़ डिसबिलिटीज प्रॉब्लम्स विद द बॉडी और माइंड विच मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन टू डू थिंग्स सच एज़ वॉक टॉक हेयर स्पीक और लर्न डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स बाज़ूकात कुछ लोगों के जिस्म में होते हैं या उनके माइंड में होते हैं कि वो कुछ खास किस्म के काम नहीं कर सकते मिसाल के तौर पर अगर किसी के हाथ नहीं है या पाँव नहीं है तो ये इसकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी होगी और माइंड के हिसाब से डिसेबल कब होगा जब वो कुछ सीख ना पा रहा हो और उसके लिए बहुत मुश्किल हो किसी भी एक आम से काम को सीखना जो कोई भी आम इंसान आसानी से सीख सकता है वो लोग इस चीज़ को नहीं सीख सकते तो इट्स मेंटल डिसेबिलिटी नेक्स्ट इज़ डोनेटिंग गिविंग टू अदर्स दूसरों को देना नेक्स्ट वर्ड इज़ एमरजेंसी एंड डेंजरस और सीरियस सिचुएशन एक बहुत ख़तरनाक और संजीदा सूरत हाल सच एज़ अ ट्रैफिक एक्सीडेंट मिसाल के तौर पर एक ट्रैफिक एक्सीडेंट यानी हादसा जो सड़क पर हादसा होते हैं ये भी एक एमरजेंसी की किस्म है नेक्स्ट इज़ फाउंडेशन अ ग्रुप विच प्रोवाइड्स मनी फॉर अ स्पेशल पर्पस एक लोगों का ऐसा ग्रुप जो कि किसी खास मकसद के लिए लोगों को पैसे फ्राहम करता हो उनकी मदद करता हो नेक्स्ट वर्ड इज़ मेडिकल डिस्पेंसरी अ प्लेस दैट गिव्स इल और इंजर्ड पीपल मेडिसिन एंड हेल्प एक ऐसी जगह जहाँ पर जख्मी या बीमार लोगों को अदवियात फराहम की जाती हैं द सेकेंड लास्ट वर्ड इज़ मर्सी काइंडनेस टुवर्ड्स अदर्स यानी रहम करना या दूसरों के बारे में रहमदिली का ख्याल लाना अपने दिल में इसको हम मर्सी या काइंडनेस कहते हैं द लास्ट वर्ड इज़ वॉलंटियरिंग वर्किंग विदाउट बींग पेड और मेड टू डू इट जब आपको किसी भी काम को करने के पैसे ना मिलें आप उसको अपने शौक़ से करें तो उसको हम कहते हैं वॉलंटियरली हम कोई काम कर रहे हैं या फिर जिस काम को करने के लिए आपको लगता हो कि आप बने ही इस काम को करने के लिए हैं आपका एक पैशन होता है तो उसको हम पे किए बगैर भी कर सकते हैं यानी अगर हम हमें उसके कोई पैसे पे ना भी करें तो हम उस काम को करने के लिए राज़ी हो जाते हैं इसको हम वॉलंटियरली काम करना कहते हैं जैसे फलाही काम होते हैं या लोगों की मदद करना इस टाइप के काम चैप्टर स्टार्ट करते हैं There are various important professions यहाँ पर बहुत से अहम पेशे हैं that people can choose जो लोग choose कर सकते हैं या मुंतखब कर सकते हैं all over the world पूरी दुनिया में Some of those include helping people as much as possible और इनमें से कुछ पेशे ऐसे भी हैं कि जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं जितनी हम कर सकते हैं जितना हमारे लिए मुमकिन होता है Such as a philanthropist
मिसाल के तौर पर फलाही काम करने वाले लोग, इसको हम फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट इज़ समवन हु गिव्स लॉट्स ऑफ देयर मनी। एक फिलेंथ्रोपिस्ट या फलाही काम करने वाला कौन होता है? जो बहुत ज़्यादा पैसे देता है और टाइम या अपना वक्त देता है टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करने के लिए। डोनेटिंग मनी और वॉलंटियरिंग योर टाइम आर गुड वेज़ टू हेल्प अदर पीपल। और ये दोनों ही बहुत अच्छे तरीके हैं लोगों की मदद करने के, यानी अगर आप अपने पैसे दे रहे हैं या आप अपना वक्त दे रहे हैं तो ये दोनों बहुत अच्छे तरीके हैं लोगों की मदद के लिए। अब्दुल सत्तार ईदी वॉज अ ग्रेट फिलेंथ्रोपिस्ट। अब्दुल सत्तार ईदी एक बहुत अजीम फलाही काम करने वाले थे या इंसान दोस्त या हमदर्द थे। यू मे हैव हर्ड अबाउट हिम, आपने हो सकता है उनके बारे में सुना हो, बिकॉज क्योंकि ही हेल्प सो मैनी पीपल, उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की। अब्दुल सत्तार ईदी वॉज बॉर्न इन 1928। अब्दुल सत्तार ईदी 1928 में पैदा हुए। ही एंड हिज मदर वर पुअर, वो और उनकी वालदा गरीब थे। बट हिज मदर टॉट हिम टू थिंक अबाउट अदर्स, लेकिन उनकी वालदा ने उनको दूसरों के मुतालिक सोचना सिखाया। When he was little, जब वो छोटे थे, she sent him to school, उनको स्कूल भेज दी with 2 paisa coin, दो coins के साथ, यानी 2 paise के सिक्के के साथ उनको स्कूल भेज दी। One to buy his lunch, एक अपना लंच खरीदने के लिए, and one to give to a beggar, और एक किसी भिखारी या फ़कीर को देने के लिए। ईदी's mother became unwell, ईदी की वालदा बीमार हो गई। When he was 11 years old, जब वो 11 साल के थे, he looked after her, उन्होंने उसकी अपनी वालदा की देखभाल की। Until she died, यहाँ तक कि उनकी वफ़ात हो गई। 8 years later, 8 साल के बाद, यानी जब वो 11 साल के थे तो उनकी वालदा बीमार रही और उनके तकरीबन बीमार होने के 8 साल के बाद उनकी वफ़ात हुई, जब ईदी तकरीबन 19 साल के थे। When he was 19 years old, जब वो 19 साल के थे, ईदी moved to Karachi, ईदी कराची में मुंतकिल हो गए। He sold, वो बेचते थे क्लॉथ, कपड़ा। But what he really wanted was to help people, लेकिन जो सच में वाकई करना चाहते थे वो थी लोगों की मदद। पुअर पुअर और इल, जो कि गरीब थे या बीमार थे, यानी गरीब और बीमारों की मदद करना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू सेट अप अ प्लेस, वो एक ऐसी जगह चाहते थे वेयर पुअर पीपल कुड गेट मेडिसिन एंड हेल्प फॉर फ्री, जहाँ पे गरीब लोग मदद हासिल कर सकें और अद्वियात हासिल कर सकें बिल्कुल फ्री में, यानी बगैर पैसे के वो मुफ्त में ये सब चीज़ें हासिल कर सकें। ही आस्क, उन्होंने पूछा पीपल, लोगों से, फॉर डोनेशंस, कि वो खैरात या सदकात करें। डोनेशंस मीन सदकात देना या एक्स्ट्रा मनी जो अपनी लोग दूसरों की हेल्प करने के लिए देते हैं उसको हम डोनेशंस कहते हैं। तो उन्होंने लोगों से इस चीज़ का सवाल किया। एंड पीपल गेव हिम मनी, और लोगों ने उनको पैसे दिए। इन 1951 में ही यूज्ड द डोनेशंस, उन्होंने इन डोनेशंस का इस्तेमाल किया टू सेट अप अ स्मॉल मेडिकल डिस्पेंसरी, और उन्होंने इससे एक छोटी सी डिस्पेंसरी बनाई। From there, people could get help when they were ill or injured. और यहाँ से लोग मदद हासिल कर सकते थे जब वो बीमार हों या ज़ख्मी हों। He also bought a vehicle, और उन्होंने एक गाड़ी भी खरीदी। The vehicle was his first ambulance, और ये उनकी पहली एम्बुलेंस थी। He drove it around Karachi, वो उसको कराची के इर्द गिर्द चलाते, यानी सब इलाके में घुमाते उसको, helping people, लोगों की मदद करते, and giving out medicines, और अद्वियात मुहैया करते to those, उन लोगों को who needed it, जिन्हें ये चाहिए होती। अब्दुल सत्तार ईदी कंटिन्यू टू कलेक्ट डोनेशंस, और अब्दुल सत्तार ईदी ने डोनेशंस को इकट्ठा करने का काम जारी रखा। ही बॉट मोर एम्बुलेंसेज, उन्होंने और एम्बुलेंस खरीदी। एंड ओपन्ड मोर मेडिकल सेंटर्स, और तिबी मराकज भी खोले। ही गॉट पीपल हु आर स्टडिंग टू बिकम डॉक्टर्स टू हेल्प हिम, और उनको ऐसे लोगों का साथ भी हासिल हुआ जो डॉक्टर बन रहे थे, यानी डॉक्टर की तालीम हासिल कर रहे थे, और उन्होंने उनकी मदद की। ईदी गॉट अदर्स टू वॉलंटियर टू, और ईदी ने और भी बहुत से वॉलंटियर्स इकट्ठे कर लिए थे। वॉलंटियर्स मीन ऐसे काम करने वाले लोग जिनको आपको पे नहीं करना पड़ता, वो अपने शौक अपने जज्बे से उस काम को करते हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, ड्राइवर्स एंड एनीवन हु वांटेड टू हेल्प अदर्स कुड वॉलंटियर, और इन लोगों में डॉक्टर भी शामिल थे, नर्सेज भी, ड्राइवर्स भी थे, और कोई भी ऐसा इंसान माशरे में से जो लोगों की मदद करना चाहता हो वो वॉलंटियर बन सकता था। ईदीज स्मॉल डिस्पेंसरी ग्रो इनटू व्हाट इज़ नाउ नोन एज ईदी फाउंडेशन। ईदी की वो छोटी सी डिस्पेंसरी बड़ी होकर आज जो कुछ बन चुकी है उसको हम ईदी फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। द फाउंडेशन ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ बेबीज़ एंड चिल्ड्रन व्हेन देयर फैमिलीज़ कैन नॉट लुक आफ्टर देम। ये फाउंडेशन उन बच्चों की देखभाल भी करती है जिनके खानदान उनका ख्याल नहीं रख सकते, यानी गुर्बत की वजह से या किसी वजह से भी, जब उनकी अपनी फैमिलीज उनकी देखभाल नहीं कर सकती तो उन बच्चों का ख्याल ये रखते हैं। बेबीज़ यहाँ पे और चिल्ड्रन दोनों बच्चों के लिए ये वर्ड यूज़ होते हैं, लेकिन बेबीज़
से मुराद ऐसे बच्चे हैं जो 2 मंथ्स से लेके 4 ईयर्स तक की एज के होते हैं, और उसके बाद 4 ईयर्स से 12 ईयर्स तक की एज के बच्चों को चिल्ड्रन में काउंट किया जाता है, और उसके बाद से टीन एज स्टार्ट हो जाती है। इन हिज़ लाइफ टाइम, उनके अपनी पूरी ज़िंदगी में ईदी भी केम द लीगल गार्डियन, लीगल बोलते हैं कानूनी को, और गार्डियन का मतलब होता है सरपरस्त, वो लीगल गार्डियन रहे यानी कानूनी तौर पर सरपरस्त रहे ओवर 20,000 चिल्ड्रन यानी 20,000 बच्चों के, हुज़ फैमिलीज़ जिनके खानदान कुड नॉट केयर फॉर देम, उनकी देखभाल नहीं कर सकते थे या उनका ख्याल नहीं रख सकते थे, तो उनकी अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने 20,000 बच्चों की कफालत की या सरपरस्ती की कानूनी तौर पर। इसके बाद है व्हेन बेबीज़ आर लेफ्ट एट द फाउंडेशन सेंटर्स, जब उन बच्चों को इन फाउंडेशन के मराकज़ में छोड़ा जाता, दे आर केयर्ड फॉर इन स्पेशल होम्स, इनको खास किस्म के घरों में रखा जाता है, कॉल्ड ऑर्फनेजेस, और इनको यतीम खाना कहा जाता है, एंड गिवन एजुकेशन, यहाँ पर इनको तालीम भी दी जाती है। सम गो टू लिव विद न्यू फैमिलीज़, और कुछ को नई फैमिलीज़ अडॉप्ट भी कर लेती हैं वहाँ से और ले जाती हैं अपने घर में। इन 1965 में अब्दुस्सत्तार ईदी मैरिड अ नर्स कॉल्ड बिल्किस, अब्दुस्सत्तार ईदी ने एक नर्स से शादी की जिनका नाम बिल्किस था, दे हैड 4 चिल्ड्रन, उनके 4 बच्चे हैं। बिल्किस ईदी स्टिल वर्क्स फॉर द ईदी फाउंडेशन, वो अभी ईदी फाउंडेशन के लिए काम कर रही हैं। शी मैनेजेस द वर्क दे डू विद मदर्स एंड देयर चिल्ड्रन, और वो उस काम की देखभाल करती हैं या मैनेज करती हैं, उसका इंतज़ाम संभालती हैं जो महकमा इनका मदर्स यानी माओ की और चिल्ड्रन उनके बच्चों की देखभाल करता है। मैनी मदर्स नीड हेल्प फ्रॉम डॉक्टर्स एंड नर्सेज, बहुत सी माओ को डॉक्टर और नर्सेज की मदद चाहिए होती है। व्हेन दे आर हैविंग अ बेबी, जब उनके यहाँ बच्चा होता है, एट द ईदी फाउंडेशन सेंटर्स, ईदी फाउंडेशन के मराकज़ में डॉक्टर्स एंड नर्सेज ऑफर फ्री हेल्प टू मदर्स, यहाँ पर डॉक्टर और नर्सेज क्या करते हैं माओ के लिए मुफ्त में तिबी इमदाद मुहैया करते हैं। टुडे आज द ईदी फाउंडेशन कंटिन्यूज टू रेज मनी एंड यूज इट टू हेल्प पीपल, आज भी ये फंड रेजिंग कर रहे हैं यानी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और उससे लोगों की मदद कर रहे हैं। इट हैज़ ओवर 1800 एम्बुलेंसेज, इनके पास 1800 यानी 1800 एम्बुलेंसेज हैं, एंड हैज़ ट्रेंड ओवर 40,000 नर्सेज, और आज तक इन्होंने 40,000 नर्सों को तरबियत दी। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स हैव वर्कड फॉर द फाउंडेशन, और इस फाउंडेशन के लिए हज़ारों लोगों ने वॉलंटियरली भी काम किया यानी उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, और उनका अपना एक जज्बा था जिसके तहत उन्होंने यहाँ पर काम किया। और 1 मिलियन पीपल हैव बीन हेल्प्ड बाय द ईदी फाउंडेशन सेंटर्स, और ईदी फाउंडेशन के जो मराकज़ हैं उन्होंने तकरीबन 1 मिलियन लोगों की मदद की, या 1 मिलियन से ज़्यादा, ओवर 1 मिलियन, 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मदद की। मिलियन होता है 10 लाख लोग, 1 मिलियन पीपल 10 लाख लोग, तो इन्होंने 10 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों की मदद की आज तक। द फाउंडेशन हेल्प्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल, और ये फाउंडेशन मुख्तलिफ लोगों की इमदाद करती है। इन एडिशन टू हेल्पिंग पीपल विद मेडिकल प्रॉब्लम्स, यानी लोगों की तिबी इमदाद के साथ साथ दे ऑल्सो हेल्प पीपल हु नीड फूड और अ प्लेस टू लिव, जिन लोगों को खाना चाहिए होता है या रहने के लिए जगह चाहिए होती है, तो ये इस तरह की मदद भी करते हैं। पीपल विद डिसेबिलिटीज़, और जो लोग डिसेबल हैं उनकी हेल्प भी करते हैं, एंड मैनी अदर्स, और दूसरे बहुत से लोगों की भी। द ईदी फाउंडेशन हैज़ इवन गॉट सम बोट्स दैट दे यूज टू रेस्क्यू पीपल हु आर इन ट्रबल एट सी, और ईदी फाउंडेशन के पास कुछ कश्तियाँ भी हैं जिससे ये उन लोगों को रेस्क्यू करते हैं, उनकी मदद करते हैं जो समंदर में किसी मुसीबत में हो। ईदी बिगन हिज वर्क इन पाकिस्तान बट टुडे हिज फाउंडेशन हेल्प्स पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी ईदी ने अपना काम तो पाकिस्तान से शुरू किया लेकिन आज इनकी फाउंडेशन पूरी दुनिया में काम कर रही है या पूरी दुनिया के लोगों की मदद करती है। द फाउंडेशन हैज़ डोनेटेड मनी एंड हेल्प्ड आफ्टर फ्लड्स एंड अदर डिजास्टर्स अराउंड द वर्ल्ड, डोनेट होता है पैसे देना या हैरात या सदकात वगैरह करना चाहते, ये फाउंडेशन लोगों को पैसे भी देती है, उनकी हेल्प करती है जो फ्लड्स यानी सैलाब में और डिसास्टर्स यानी नेचुरल डिजास्टर्स जैसे जलजले या सुनामी वगैरह होते हैं, तो इस किस्म की मुसीबत में लोगों की मदद करती है। इन एशिया, एशिया में व्हेन समवन डायल्स 115, एशिया में जब कोई 115 पे कॉल करता है टू कॉल फॉर हेल्प, मदद के लिए वहाँ पर कॉल करता है, इन एन एमरजेंसी, किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल में या हंगामी सूरत हाल में, द टेलीफोन कॉल इज़ आंसर्ड बाई द ईदी फाउंडेशन, तो इस कॉल का जवाब ईदी फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। अब्दुस्सत्तार ईदी लिव्ड अकॉर्डिंग टू हिज बिलीव्स फॉलोइंग इस्लाम एंड डूइंग गुड डीड्स फॉर अदर्स, अब्दुस्सत्तार ईदी ने अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी फॉलोइंग इस्लाम, इस्लाम की पैरवी करते हुए, एंड डूइंग गुड डीड्स और अच्छे काम करते हुए फॉर अदर्स दूसरों के लिए।
इवन इफ़ देवर फ्राम अ डिफरेंट बैकग्राउंड और रिलीजन, हती कि अगर लोग किसी दूसरे बैकग्राउंड से, यानी उनका जो मज़हब था, रिलीजन मज़हब को बोलते हैं, मज़हब कोई और होता, अगर उनका बैकग्राउंड का मतलब होता है पस मंज़र, यानी उनका मज़हब मुख्तलिफ होता और वो इस्लाम से अलग होते अगर, तो उनसे मदद मांगने के लिए आते तो वो उनकी भी मदद करते, कभी उन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया। ही वर्कड हार्ड ऑल हिज लाइफ, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सख्त मेहनत की। ही लिव्ड इन अ स्मॉल अपार्टमेंट इन ईदी फाउंडेशन हेड क्वार्टर्स बिल्डिंग, ईदी फाउंडेशन की जो हेड क्वार्टर की बिल्डिंग है वहाँ पर वो एक छोटे से अपार्टमेंट में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। ड्रेस्ड सिंपली, और वो बहुत सादा लिबास पहनते एंड स्टेड फोकस्ड ऑन हेल्पिंग अदर्स, और सिर्फ दूसरों की मदद करने पर ही फोकस्ड रहते। फोकस का मतलब होता है तवज्जो, मरकूज़ करना, तो उनकी तवज्जो सिर्फ अपने काम यानी दूसरों की मदद पर ही मरकूज़ रहती। ही सेड दैट वी शुड ऑल लिव एंड हेल्प लिव, और उनका कहना है कि हमें ज़िंदा रहना चाहिए और ज़िंदा रहने में लोगों की मदद करनी चाहिए। ईदी बिकेम नॉन एज द एंजल ऑफ मर्सी, और उनको रहमत के फरिश्ते के तौर पर जाना जाता है। द ग्रेट फिलेंथ्रोपिस्ट डाइड ऑन द 8th of July 2016, इनकी वफ़ात 8 जुलाई 2016 में हुई। बिल्किस ईदी एंड सम ऑफ देयर चिल्ड्रन कंटिन्यू द वर्क ऑफ द ईदी फाउंडेशन। बिल्किस ईदी जो कि इनकी वाइफ थी, वो और इनके जो बच्चे हैं उनमें से कुछ अब भी ईदी फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं। This was the end of this lecture. Hope you liked it. And if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.